हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज का हमारा टॉपिक है समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह का कॉन्सेप्ट है इसमें जो कि हम समझ सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे स्पीड की जब भी हम बात करेंगे तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। आपने ये बहुत बार कहते हुए लोगों को सुना होगा कि मैं इस स्पीड से आया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आया या 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं आया। इट मींस कि एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कोई भी आदमी ट्रेवल कर रहा है, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, उसे हम बेसिकली स्पीड कहते हैं और कुछ नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है उसे हम कहते हैं स्पीड। एकांक समय में, एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है उसे कहते हैं हम स्पीड। तो इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। और एक जो फॉर्मूला है जो आपने हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये आपको पता भी है, जब आप किलोमीटर पर आर कहते हो तो किलोमीटर ऊपर है और आर नीचे है। ऊपर जो है वो डिस्टेंस है और नीचे जो है वो टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो आप इजिली कह पाओगे कि ये क्या है, तो आप कह पाएंगे कि ये कुछ नहीं बस स्पीड है। व्हाट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि और क्या हो सकता है। देखिए, तो हमने अभी पढ़ा कि स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होती है उसे आप किलोमीटर में मेजर करते हो और टाइम जो होता है उसे आप आर में, घंटे में मेजर करते हो। मतलब जो यूनिट हो गई, जो मात्रक हो गया स्पीड का, वो हो गया किलोमीटर पर आर। गॉट इट। अगर किलोमीटर पर आर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। इतनी अगर आप बात कह पा रहे हो तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाली हैं। देखो, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे, ये आ गया 5 और ये आ गया 18। इट मीन्स किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। गॉट इट। तो आपको याद नहीं करना पड़ा, आपने समझा है ये कॉन्सेप्ट कि ये बेसिकली आया कहां से है। अगर आप ये समझ जा रहे हो तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जा रही हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर किलोमीटर पर आर में हमारे पास यूनिट है और उसे हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका इनवर्स करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में आना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में किससे, 18/5 से। बस इसको ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जब भी आपने आना है तो आपने क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में। तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज, एवरेज की जब भी हम बात करते हैं तो एवरेज क्या होता है। देखो, एवरेज बेसिकली क्या है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड दो चीजों पर डिपेंडेंट है। किस पे, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस पे और टाइम पे। कहने का मतलब, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। गॉट इट। समझ में आ रही है बात।
इतना ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसे भी हम समझेंगे। बस आपने क्या करना है, एक बार इसे समझ लो कि जब भी आपके पास एवरेज स्पीड आए तो आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, और इस तरह से आप बता पाओगे कि क्या होती है एवरेज स्पीड। गॉट इट? अब अगर मैं ये कहूं कि कोई आदमी एक किलोमीटर पहले ट्रेवल किया, फिर उसके बाद एक किलोमीटर फिर से ट्रेवल किया, समझना इसे, ठीक है? एक किलोमीटर और एक किलोमीटर, पहले जो उसकी स्पीड थी, पहले एक किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आर, और दूसरा के लिए उसकी जो स्पीड थी वो थी y किलोमीटर पर आर। ध्यान से समझना। अब आपसे पूछेंगे कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी के लिए, तो आप बोलेंगे पूरी जर्नी के लिए तो वो a इधर चला है और a इधर चला है, इट मींस टोटल कितना चल लिया, तो आप बोलेंगे 2a चल लिया। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो देखो ये डिस्टेंस है ऊपर और नीचे स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको टाइम देता है, मतलब आपके पास जो टाइम आ गया पहले a किलोमीटर के लिए a अपॉन x आ गया, दूसरे a के लिए a अपॉन y आ गया, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो a अपॉन x प्लस a अपॉन y, गॉट इट? a दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहां ऊपर लिख रहा हूं 2a, a कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? इतना अगर आप समझ पा रहे हैं, इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए आगे क्या होना है, a से a कैंसिल आउट हो गया, 2 तो है ही आपके पास, x यहां मल्टीप्लाई की तो 2 अपॉन y प्लस x अपॉन एक्स वाई, और ये एक्स वाई भाई साहब ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। अब इसे समझते हैं, अगर कोई आदमी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दो अलग अलग स्पीड से, तो उस आदमी की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस y, अलग अलग स्पीड ही तो थी, x किलोमीटर और y किलोमीटर, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये, इसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसे आपने याद रखना है 2xy अपॉन x प्लस y। गॉट? अगर इसी क्वेश्चन में आगे और लेके जाएं और मैं कहूं कि a किलोमीटर और a किलोमीटर तीन इक्वल डिस्टेंस है, x स्पीड से y किलोमीटर पर आर की स्पीड से और z किलोमीटर पर आर की स्पीड से किलोमीटर पर आर है, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है बेसिकली आपकी स्पीड है, ठीक है? टोटल डिस्टेंस की बात करें तो आप कहेंगे 3a होगा, a a a। टाइम की बात करें तो यहां आपको a अपॉन x टाइम लग रहा है, यहां a अपॉन y टाइम लग रहा है और यहां a अपॉन z टाइम लग रहा है, तीनों का सम करेंगे तो आपके पास आएगा, a कॉमन ले ले रहा हूं सीधे, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, I don't think कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि 3 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अगर तीन स्पीड है और इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके पास जो एवरेज स्पीड है, स्पीड उसका फॉर्मूला ये आ गया। अगर दो स्पीड गिवन है तो 2a, ओ सॉरी a नहीं रहेगा, 2 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, तीन हो गई तो 3 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, चार हो जाती तो 4 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन कुछ भी होता वो w, चार स्पीड ले लेते, ठीक है? तो इस तरह से आपकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए, आपके पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में भी करके देख लिया। गॉट इट? इसके बाद आगे बढ़े, एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे ऐसी आशा करता हूं। देखो आपके पास
जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, तो आप कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसे ध्यान से रख समझना। अगर मैं कहूं कि टाइम को मैं कांस्टेंट कर लूं, टाइम को कर दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कि इसे इस तरह से समझो कि दो लोग हैं ए और बी, या इस तरह से समझो मोहन और श्याम दो दोस्त हैं और दोनों को हमने सेम टाइम दिया है, दोनों को हमने कहा है कि एक घंटे में दिखाओ कि कितना आपकी स्पीड है, दोनों के लिए टाइम जो है वो सेम हो गया, तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट करना टाइम को। गॉट इट? तो हमने टाइम कांस्टेंट किया है, तो श्याम जो है वो S1 स्पीड से ट्रेवल करता है और D1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन टाइम, T ही लगेगा क्योंकि हमने कहा है कि टाइम कांस्टेंट है। फिर हमने कहा राम था और सॉरी श्याम और राम, दूसरा आदमी राम है, तो राम के लिए R1, R2, D2 उसकी डिस्टेंस हो जाएगी और T टाइम हो जाएगा, तो T से T कट जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी, या डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली लाइन हटा भी दूं, ये वाला पार्ट, और केवल इस पे फोकस करें, हमने क्योंकि टाइम को कांस्टेंट किया है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है किसी भी आदमी की, जो उसकी स्पीड होगी उतनी ही उसकी डिस्टेंस होगी। ये नहीं कह रहा हूं मैं, जितनी इसकी स्पीड बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, या जितनी ज्यादा उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि सामने है। गॉट इट? इतनी बात में कोई दिक्कत है नहीं किसी को, ठीक है? तो पहला, अगर आपने टाइम कांस्टेंट किया ठीक, तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस से ही लिख रहा हूं, इस प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। गॉट इट? डिस्टेंस जो होती है प्रोपोर्शनल होती है स्पीड की, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ज्यादा चलोगे। गॉट इट? दूसरा केस, अगर हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट करने का मतलब समझ रहे हो ना, राम और श्याम दो ही दोस्त हैं और उन दोनों के लिए हम कह रहे हैं कि भाई आपने 10 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो यहां से हमारे पास आ रहा है कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है टाइम के, मतलब क्योंकि हमने डिस्टेंस कांस्टेंट कर लिया, डिस्टेंस को इस बार कांस्टेंट किया है, तो स्पीड इक्वल टू 1/टाइम आ रहा है, मगर इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट ली है, ठीक है? तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, या हम ये कह पाएंगे कि जितना कम टाइम वो लेगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। समझ में आ रही है बात? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तीसरा, पहले इन्हें देख लो फिर इनके बाद एकदम रॉ लैंग्वेज में समझाऊंगा, समझ में आएगा बहुत सही से। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसे कांस्टेंट कर लिया टाइम को, एक बार डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया, अब स्पीड को कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड को समझो, स्पीड में क्या होना है, स्पीड को अगर कांस्टेंट कर लें, स्पीड अगर हमने कांस्टेंट कर ली तो होगा क्या, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, मतलब जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी ज्यादा डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे। फिर से समझते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? उसे ध्यान से देखना है आपने कि अब हम जो करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सब कुछ है, ठीक है? इसे ध्यान से समझना मगर, ठीक है? ओहो, दैट इज अ नाइस थिंग। आजकल क्या करें, लॉकडाउन में यही हमारा टाइम पास है कि हम ऐसे कुछ कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना मैंने कहा कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब राम और श्याम के लिए दो लोग हैं,
एक है राम और एक है श्याम। एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। दोनों के लिए टाइम बराबर है। इसे इस तरह से समझिए कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, उनके लिए मैंने टाइम सेम दिया और मैंने कहा है कि भैया बताओ दोनों को भागना है। एक आदमी कह रहा है कि मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ूंगा, दूसरा आदमी कह रहा है कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ूंगा, एक आदमी कह रहा है कि मैं 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ूंगा, और जो दूसरा आदमी है वो कह रहा है कि मैं 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ूंगा, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ूंगा। तो समझे, टाइम कॉन्स्टेंट है, दोनों को आपने एक घंटे का टाइम दिया, तो बताओ कौन ज्यादा चलेगा भाई। तो आप बोलोगे सर राम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो यही तो कह रहे हैं कि अगर टाइम दोनों का सेम है, दो लोगों की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट करने का मतलब है कि दूसरे के लिए भी उतना ही है जितना इस वाले के लिए। अगर दोनों के लिए सेम है तो पहले वाला जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, गॉट, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम ट्रेवल करेगा। तो आप कह दोगे कि राम 40 किलोमीटर चलेगा और श्याम 60 किलोमीटर चलेगा। स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आर और 60 किलोमीटर पर आर, बस यही कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी लाइन समझिए जी क्या है। दूसरे में हम कह रहे हैं, अभी हमने टाइम को किया कांस्टेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं। ये कांस्टेंट किया हमने, डिस्टेंस ही की थी ना, डिस्टेंस कांस्टेंट की। डिस्टेंस कांस्टेंट करने का मतलब है, अब मैं क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पहले हमने कांस्टेंट किया था टाइम, तो हमने कितना किया था उसे, हमने कहा था कि 1 आवर देंगे भाई दोनों को, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है देने की। अब हम डिस्टेंस को जब कांस्टेंट करेंगे तो हमने कहा कि हम दोनों को 120 किलोमीटर दे देते हैं। दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। फिर से राम और श्याम की बारी आई, राम और श्याम, ध्यान से समझना इसे, श्याम एक 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था या दौड़ रहा था, दूसरा 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। हमने कहा कि उनके पास जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है, डिस्टेंस 120 है, ध्यान से समझो। राम को 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से? तो आप कहोगे एक घंटे में 40 जाता है, दूसरे घंटे में भी 40 जाएगा, 80 हो गया, तीसरे घंटे में भी 40 जाएगा, 120 हो गया, मतलब 3 घंटे लगेंगे। श्याम की बात करें तो आप कहेंगे वो पहले घंटे में 60 जाता है और दूसरे घंटे में फिर से 60 जाएगा, मतलब 2 घंटे लगेंगे, 3 आवर और 2 आवर ये टाइम लगने वाला है, गॉट इट। तो इससे वो रिलेशन कहां फुलफिल हुआ जो हमने यहां इनवर्स लिखा है। तो यहां देखो आप 40 और 60 के बीच में अगर आप रेशियो देखो तो 2 और 3 का है, स्पीड का रेशियो कितना है 2 और 3 का है, जबकि जो टाइम का हम रेशियो निकालें तो वो 3 और 2 का हो गया, हो गया ना इनवर्स, 2 यहां पहुंच गया और 3 यहां पहुंच गया। जबकि जब हमने यहां पर राम और श्याम की बात की थी, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर एक घंटे की बात की थी, तो ये 40 और 60 ही जा रहा था, मतलब जितनी उनकी स्पीड थी उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे थे, जितनी उनकी स्पीड थी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, मतलब जो रेशियो ऊपर था तो वो रेशियो ऊपर 2:3 था, तो नीचे भी रेशियो 2:3 ही था। स्पीड का जो रेशियो था वही रेशियो डिस्टेंस का भी था, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशन। जब रेशियो बदल गए ना तो 1 upon time आ गया। आई बात समझ में? ये दूसरा तरीका हो गया, कहा था ना आएगा समझ में, एक और बार देखो इसे समझ में नहीं आ रहा है तो आएगा वैसे समझ में, क्यों नहीं आएगा। तीसरा बार देखिए, स्पीड कांस्टेंट कर ली, अब हमने स्पीड कांस्टेंट कर ली दोनों की, हमने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, दोनों की स्पीड हमने कह दी कि 60 किलोमीटर है, दोनों की स्पीड कितनी कह दी 60 किलोमीटर। कांस्टेंट का मतलब यही है कि दोनों को कांस्टेंट कर लिया, 60 किलोमीटर है, ठीक। और डिस्टेंस दोनों की अलग अलग होंगी, ठीक, एक को चलवा रहे हैं हम 120 किलोमीटर राम को, और श्याम को चला रहे हैं हम 180 किलोमीटर। तो भाई टाइम का जो रेशियो होगा
वो क्या होगा, आप क्या करोगे 60 से 120 को डिवाइड करोगे 2 आ रहा है, 180 को करोगे 3 आ रहा है, ऐसी तो टाइम निकलेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, डिवाइड करोगे टाइम का रेशियो आ जाएगा, तो 2:3 आया। ऊपर से अगर इन दोनों के बीच का रेशियो देखो तो ये भी 2:3 है, का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस और डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो था वही उनके टाइम के बीच में भी रेशियो है। गॉट इट? वही उनके टाइम के बीच में भी रेशियो है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर लिया जाए, किसी भी एक को कांस्टेंट कर लिया जाए, तो जो दो बाकी बचते हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, वो प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। देखो हिंदी और इंग्लिश में बहुत, दोनों में बहुत मजा है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि वैसे ही अनुसरण करना जैसे कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उसका उल्टा करना, जैसे यहाँ पे स्पीड और टाइम में था 2:3 आया था स्पीड का रेशियो, मगर टाइम का रेशियो आ गया 3:2, इसे कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, इतनी बात भी अगर आपको समझ में आ गई है तो आपने फिर से क्या करना है, केवल ये ध्यान रखना है। इसे याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि याद रहे, और तरीका समझो याद, वहां क्या करना है, वहां तो आपने बस समझने के लिए बात की थी हमने, यहाँ पे समझो इसे क्या समझना है। आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस NBM अपॉन टाइम। ऐसा नहीं है कि मेरे को डिस्टेंस की स्पेलिंग नहीं आती, आती है। अब आपने क्या देखना है कि अगर किसी भी एक को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, देखो मैं टाइम को कॉन्स्टेंट कर रहा हूं, तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों डिनोमिनेटर के ऊपर हैं, तो मतलब इनके बीच में जो रेशियो है वो अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शन है। स्पीड बढ़ेगी, स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। आ रही है बात समझ में? फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर रहा हूं, तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है स्पीड इक्वल टू 1/टाइम, का मतलब हो गया कि स्पीड के बढ़ने पे टाइम कम लगेगा। वो तो होता ही है, ज्यादा स्पीड से चलोगे तो टाइम कम लगेगा, कम स्पीड से चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इनवर्सली है। गॉट इट? फिर तीसरा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार हम किसे कांस्टेंट कर रहे हैं, एक बार टाइम को कर चुके, एक बार डिस्टेंस को कर चुके, इस बार स्पीड को अगर कांस्टेंट कर लें, तो देखो स्पीड को कांस्टेंट करने का मतलब हो गया स्पीड टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होती है कि नहीं होती है। स्पीड को अगर आपने कांस्टेंट किया है तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सामने है, मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, दोनों इक्वल है। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो कमेंट में करके जरूर बताइए। और आज का जो ये लेक्चर था, ये कॉन्सेप्ट लेक्चर था, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस पर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, उसे करेंगे। चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, क्योंकि बिना पढ़े मिलेगा नहीं और बिना करे होगा नहीं। थैंक यू वेरी